नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई टी आई एग्जाम सोल्यूशन में दोस्तों आज से हम इसरो के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल कोर्स को कवर करेंगे देन हम बाकी रिमेनिंग कोर्स को भी यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे इलेक्ट्रिकल कोर्स में हम चार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है एक वस्तु की पारगम्यता का अर्थ क्या है द परमेबिलिटी ऑफ अ मटीरियल मीनस आपके ऑप्शन है ए स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल बी द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटीरियल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सी स्ट्रेंथ और

गोल्डन कलर बैंड इज दोस्तों आपको कलर बैंड को याद करना पड़ेगा तो इसमें कौन कौन से कलर बैंड दिए गए हैं इसमें दिया गया है ऑरेंज रेड ब्राउन एंड गोल्डन तो अगर हमें किसी भी एक मटेरियल की रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है तो उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों आर इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई में सी प्लस माइनस डी परसेंटेज यहाँ पे ए बी क्या होती है ये फर्स्ट दो वैल्यू होती है जैसे की इसमें ऑरेंज और रेड पहली दो वैल्यू दी गई है तो ये हो जाएगा ऑरेंज ए और रेड बी हो जाएगा अगर क्वेश्चन में ब्राउन और गोल्डन हमें फर्स्ट वैल्यू दी होती तो ए भी हो जाते ब्राउन और गोल्डन तो क्वेश्चन में जो भी पहली दो वैल्यू 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 दी होंगी वो हमारे ए बी हो 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 जाएंगे देन सी वाली वाली जाएगी जाएगी ब्राउन की एंड डी गोल्डन कलर की तो दोस्तों अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू तो ऑरेंज की वैल्यू क्या होती है वो होती है थ्री रेड की वैल्यू क्या होती है वो होती है टू अब जो थर्ड ऑक्टेट होता है या थर्ड डिजिट होती है वो होती है हमारी पावर की टेन की पावर जीरो टेन की पावर वन तो ब्राउन किस कैटेगरी में आता है टेन की पावर वन में आता है ये

के सर्किट ब्रेकर ये भी क्या है एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है इसका भी काम क्या है सर्किट को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करना दोस्तों आपने एम के बारे में तो पढ़ा होगा जिसे बोला जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तो ये जो एम है ये इसका बड़ा भाई है यानी की इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो एज कम्पेयर टू एम ज्यादा होती है तो दोस्तों ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यह है एम का और यह है एम सी सी बी का और एम सी सी बी को कहाज करा जाता है इसको इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कमर्शियल बिल्डिंग में और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में यूज करा जाता है नॉर्मली हम घर में यूज करते हैं एम लेकिन जहाँ भी कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं एम क्योंकि इनकी जो करेंट रेटिंग होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एम क्या है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फाइव है बी कोड के अनुसार भू संपर्क के लिए उपयुक्त तार का रंग क्या होता है द कलर ऑफ वायर रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन एज पर बी कोड इज आपके ऑप्शंस हैं ए रेड बी ग्रीन सी ब्लैक एंड डी ब्लू दोस्तों कोड के के अनुसार जो हम अर्थ कनेक्शन लिए वायर यूज करते हैं वो ग्रीन कलर की होती है, greenish -blue कलर की होती है है या ग्रीनिश ब्लू कलर की दोस्तों पे एक टेबल टेबल दिया हुआ है इस टेबल को आप एक बार याद कर लेना क्यूँकी इस टेबल में आपको कई सारे कलर कोड मिल जाएंगे हर एक लाइन के लिए जैसे सिंगल फेस लाइन के लिए हम यूज करते हैं रेड और ब्राउन सिंगल फेस न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं ब्लैक और ब्लू सिंगल फेस प्रोटेक्टिव ग्राउंड के लिए यूज करते हैं ग्रीन थ्री फेस लाइन के लिए यूज करते

अवेयरनेस, इंग्लिश ऐसा कुछ भी नहीं आया है तो केवल और केवल आपको अपॉर्चुनिटी है।, तो है, है या कौन सी गैस उत्सर्जित होती है दोस्तों लेड एसिड बैटरी को बोला जाता है सेकेंडरी बैटरी दो तरह की बैटरी होती है एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी वो बैटरी होती है जो रिचार्जेबल बैटरी होती है यानी कि इन बैटरी को डिस्चार्ज के बाद रिचार्ज करा जा सकता है और इसको एक तरीके से और बोला जा सकता है इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कौन सी बैटरी में रिएक्शन है तो इसका आंसर होगा लेड एसिड बैटरी क्योंकि चार्जिंग के टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन हुई उसकी अपोजिट रिएक्शन डिस्चार्जिंग के टाइम पे होगी और दोस्तों जब बैटरी इसकी चार्ज होती है तो वाटर मोलिक्यूल जो होते हैं इसके वो बट जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं किसमें एच टू गैस में और ऑक्सीजन में तो उसमें बेसिकली दो तरह की गैस प्रोड्यूस होती है एक हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक हाई एनर्जी गैस होती है होती है है जो और फ्लेमेबल दोनों तो इसके लिए हम प्रॉपर वेंटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर बैटरी में बिल्डअप ना हो आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा की बैटरी फट जाती है बैटरी में एक्सप्लोजन हो जाता है चार्जिंग के टाइम पे ज्यादातर देखा जाता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और उस हाइड्रोजन गैस को अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना मिले तो वो एक ही

फॉर अ पीरियड ऑफ आपके ऑप्शन से ए बीस घंटे बी पंद्रह घंटे सी बारह घंटे एंड डी आठ घंटे दोस्तों अगर हमें बैटरी की कैपेसिटी को निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मुला यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों करंट डिलीवर मल्टीप्लाई में ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें बैटरी कैपेसिटी ऑलरेडी दी गिवन है ठीक है और करंट भी हमें यहाँ पे गिवन है आठ एम्पेयर का हमें टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा बैटरी कैपेसिटी अपॉन में करंट डिलीवर्ड तो बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है? एक बीस और करंट डिलीवर कितना है आठ एम्पेयर इसको आप सोल्व करेंगे तो दोस्तों घंटे दो सौ वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया है संधारित्र में संचित ऊर्जा को बताए कैपेसिटर फिफ्टी माइक्रोफेराइट इज चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू वोल्ट फाइंड आउट एनर्जी स्टोर इन दी कंडेंसर दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना दिया गया है फिफ्टी माइक्रोफेरे में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिफ्टी इंटू टेन की पावर माइनस 200 वोट दो वोल्टेज आ गया एनर्जी हमें निकालनी है तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होती है वो होती है दोस्तों e तो ये हाफ इंटू फिफ्टी इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई में 200 into 200, क्योंकि पे square है तो मैंने को दो सौ टू हंड्रेड इंटू टू हंड्रेड एक दो तीन चार इससे हमारे ये चार जीरो कट आउट हो जाएंगे अब दोस्तों ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी इंटू टू हंड्रेड तो यहाँ पे हंड्रेड हो जाएगा नीचे बचा हुआ है हंड्रेड तो इससे दो जीरो कट गए तो एनर्जी कितनी बची वन

मैग्नेट में जो धारा का प्रवाह होता है या मैग्नेटिक लाइन होती है वो कहां से स्टार्ट होती होती है और कहां पे होती है है और पे खत्म तो ये एक यूनिवर्सल लॉ यानी कि इस लॉ को कभी भी बदला नहीं जा सकता है इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से से मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट होती है नॉर्थ और ये एंड होती है साउथ की साइड पे यानी की मैग्नेटिक लाइन हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ पे एंड करेगी मैग्नेटिक लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं

बनता है एक क्लोज लूप क्लोज लूप कैसा होता है इसे बोला जाता है एक सर्कल मान लीजिए एक मान लीजिए जो पूरी तरीके से कवर हो उसे बोला जाता है तो line, इसको हम करते हैं अब ये तो ये साउथ से जा रही है कहां पे? की तरफ को. तो इसने एक लूप को पूरा कवर कर लिया तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैग्नेटिक बार में तो मैग्नेटिक लाइन जो स्टार्ट हुई है आउटसाइड दी एरिया यहाँ पे देखिए दोस्तों

करने के लिए सूत्र बताए फॉर्मुला फॉर इज दोस्तों सीरीज़ सर्किट अगर रेजोनेंस कंडीशन में है तो दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कौन कौन से तो पहला होता है impedance, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस तो बराबर हो जाता है के, तो जेड बराबर हो जाता है आर के और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जिसे डिनोट करा गया

क्टिविटी क्योंकि इसमें जो कंडक्टिविटी जनरेट हुई है सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई है और दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एग्जांपल हैं आर्सेनिक तो ये इसके मटीरियल है अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा एन टाइप सेमी का एग्जाम्पल है आर्सेनिक इंडियम और गैलियम ये पी टाइप सेमी कंडक्टर होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है जेना डायोड में उत्क्रम बंजन प्रक्रिया को डैश कहते हैं द रिवर्स ब्रेक डाउन फ्रोमिना इन जीना डायोड इज नोन एज आपके

सेम काम यहाँ अफेक्ट करता, लिमिट, लिमिट कर करता है और दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो ये अपनी एनर्जी इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है तो इससे अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ जाती है तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया अब ये किसी और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा जिससे क्या होता है ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और काफी ज्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज अप हो जाते हैं तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ब्रेकडाउन जिसकी वजह से अचानक से काफी ज्यादा हाई करंट फ्लो करने लग जाता है दोस्तों नॉर्मल मोड में एवेलॉन्च ब्रेकडाउन नॉर्मली काम करेगा लेकिन जैसे ही वोल्टेज एक्सीड हुआ तो करंट सारा किससे फ्लो करने लग जाएगा आपका रिवर्स बाइस में फ्लो करने लग जाएगा और रिवर्स बाइस में ये जो पॉइंट होता है जिसे मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ ये होता है जिनर ब्रेक और अगर करंट की वैल्यू काफी ज्यादा हुई फिर वो बन जाता है एवलांच एवलांच अब और दोस्तों जिनर में क्या डिफरेंस है उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों जो जिनर होता है वो होता है लो रिवर्स वोल्टेज पे तकरीबन पांच से आठ वोल्ट पे जिनर ब्रेकडाउन हो जाता है लेकिन जो एवालन होता है वो हाई रिवर्स वोल्टेज पे होता है ये आठ वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज पे अवाल होता है जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो एवल ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से होता, होता है इसी को एक वोल्टेज डिफरेंस चाहिए वो हाई चाहिए होता है वहीं जिनर ब्रेकडाउन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस लो चाहिए होता है एवलॉन्साउन में जो पी एन जंक्शन होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन जिनर ब्रेकडाउन में जो पीएन जंक्शन होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है एवोलॉस ब्रेकडाउन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है

से बोला जाता है लाइट फैन सब सर्किट जिसमें मैक्सिमम कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं दस होते हैं या तो उस दस पॉइंट से हम दस लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं या उस दस पॉइंट से हम पांच फैन या पांच लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं या उस दस पॉइंट से हम दस फैन को भी कनेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों जो दूसरा सब सर्किट होता है वो होता है पावर सब सर्किट इसका जो वोल्टेज लेवल होता है वो तीन से ऊपर का नहीं होना चाहिए इसमें केवल जो आउटलेट होते हैं वो केवल दो होते हैं यानी कि हम केवल दो ही

फाइव क्या है फ्लक्स पर पोल तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना बहुत सारे क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा भी जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पी फाइव जेड एन अपॉन सिक्स ए क्वेश्चन नंबर एटीन है कौन सा जानित्र सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है विच टाइप ऑफ जनरेटर गिव अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज आउटपुट एट ऑल लोड आपके ऑप्शन है ए लेवल कंपाउंड जनरेटर बी कॉमलेटिव कंपाउंड जनरेटर सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एंड डी सीरीज जनरेटर दोस्तों जो सभी लोड पे स्थिर वोल्टेज देता है यानी कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा सबसे ज्यादा मिनिमम होगा जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होता है उतनी अच्छी स्टेबिलिटी रहती है इस चीज को याद रखना वो किसका होता है वो लेवल कंपाउंड जनरेटर का होता है अगर हम वोल्टेज और लोड करंट के बीच का ग्राफ प्लॉट करें ये लोड करंट है और ये क्या है वोल्टेज है तो लेवल कंपाउंड जनरेटर का जो आउटपुट रहता है वो काफी हद तक कॉन्स्टेंट रहता है कुछ ऐसा आउटपुट आपको मिलेगा लेवल कंपाउंड जनरेटर का मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसी लिख रहा हूँ अगर हम बात करें कम्युनेटिव कंपाउंड जनरेटर की कम्बलेटिव कंपाउंड जनरेटर को ओवर कंपाउंड जनरेटर भी बोला जाता है तो इसमें क्या होता है लोड बढ़ने पे वोल्टेज बढ़ जाता है तो इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा ये हो गया कमलेटिव कंपाउंड जनरेटर देन आता है अंडर कंपाउंड जनरेटर इसमें क्या होता है लोड बढ़ने पे वोल्टेज गिर जाता है और लास्ट है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर इसमें भी लोड बढ़ने से वोल्टेज काफी ज्यादा नीचे गिर जाता है तो ये है ग्राफ वोल्टेज और लोड करंट का डिफरेंट डीसी जनरेटर का सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए

सीरीज मोटर का हम यूज करते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉक काफी ज्यादा हाई होता ये है ये ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए यूज होती है बेसिकली जैसे कि क्रेन रोलिंग मीन इसके लिए हम कौन सी यूज करते हैं सीरीज मोटर का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फॉर्स्ट और क्रेन के लिए भी हम सीरीज मोटर का यूज करते हैं और जो ऑप्शन थ्री है ड्राई विद हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसका मतलब ही सीरीज मोटर ही हुआ क्योंकि सीरीज मोटर में काफी अच्छा हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है शंट मोटर पे इस्तेमाल होती है सेंटर मोटर वहां पे इस्तेमाल होती है जहा पे हमें कॉन्स्टेंट आउटपुट की जरूरत होती है क्योंकि इसका आउटपुट काफी ज्यादा कॉन्स्टेंट रहता है

थ्री फेज सर्किट विद टू वाट मीटर एट यूनिटी पावर फैक्टर इज एंड टू मीटर रीडिंग तो अगर हमें किसी भी थ्री फेज सर्किट की पावर को मेजर करना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू डब्लू टू यानी कि हमें दोनों वाट मीटर की पावर को एड करना होगा सिंपल इसका फॉर्मूला ये होता है और डब्लू वन की अगर वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी होती है वी एल आई एल कॉस थर्टी माइनस फाइव और डब्ल्यू टू की जो वैल्यू होती है वो होती है वी एल आई एल कॉस थर्टी प्लस फाइव यहाँ पे वी एल

अपॉन में नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न टू प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी वोल्टेज निकल जाएगा दुगना कर दिया कि NS अब कितना टू एन एस हो जाएगा और साथ में हमने प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दिया यानी वीपी हो जाएगा वीपी बाई टू तो मान के चलिए ये इक्वेशन वन है और अब क्या इक्वेशन बनेगी तो वो बनेगी दोस्तों एनपी अब सेकेंडरी टर्न कितनी दुगनी है तो हो हो जाएगा हो जाएगा प्राइमरी प्राइमरी वोल्टेज, वोल्टेज तो इस तो क्योंकि तो इसका मतलब ये हुआ की ट्रांसफॉर्मर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नो चेंजेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है डैश में बदलने में

में कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता है तो इसका कलर होता है प्योर ब्लू और जब सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है तो इसका कलर हो जाता है पिंक बेसिकली ब्रीदर क्या क्या कर रहा है एक तो यह मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरा ये ऑयल के इंसुलेशन को खराब होने से बचा रहा है सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका जेल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है जल विद्युत स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येवर्ती डेस्क के प्रकार का होता है द टाइप ऑफ अल्टरनेटर यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज आपके ऑप्शन ए नॉन साइलेंट पोल अल्टरनेटर बी साइलेंट पोल अल्टरनेटर सी जनरेटर एंड डी स्टीम अल्टरनेटर दोस्तों इस्तेमाल होता है गैस टर्बाइन में या गैस प्लांट में और दोस्तों साइलेंट पोल अल्टरनेटर यूज होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बेसिकली दो तरह के अल्टरनेटर हम यूज करते हैं एक होता है नॉन साइलेंट पोल अल्टरनेटर और दूसरा होता है साइलेंट पोल अल्टरनेटर नॉन साइलेंट पोल अल्टरनेटर की जो स्पीड होती है काफी इसकी स्पीड तीन हजार की जो की ऑपरेशन में इनको स्पेसिफिकली डिजाइन ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऑपरेशन के लिए किया जाता है क्यूँकी इसका कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा रोबस्ट होता है काफी अच्छा इसका कंस्ट्रक्शन होता है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है और उसकी हिट कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है

याद करने हैं एक होता है स्लिप इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होती है स्टेटर स्टेटर स्पीड स्पीड माइनस रोटर अपॉन में लेना बहुत सिंपल फॉर्मुला है मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी इसका फॉर्मुला होता है ऑप्शन नंबर डी एफ आर टू एस एफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है, है, तो है चार द्रव्य एसी मशीन के लिए कुछ

डिग्री का होगा तो हमें एक कम्प्लीट रोटेशन का निकालना था तो ये हो जाएगा फोर अपॉइंटमेंट टू इन टू थ्री सिक्सटी इससे बचेगा सेवन ट्वेंटी डिग्री ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर है केज इंडक्शन मोटर में मोटर बार में स्क् के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत वाक्य है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर दुंग ऑफ मोटर बार इन अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आपके ऑप्शन है ए इट प्रिवेंट कोगिंग बी इट इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क सी इट प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टर्क एंडी ऐसी जो रोटर के बार है उनको तिरछी तरीके से लगाया गया है तो स्कूंग के कुछ बेनिफिट होते हैं क्या क्या है एक तो ये रोकता है जो सबसे इंपोर्टेंट इसका बेनिफिट है ये कोगिंग को रोकता है अब कोगिंग क्या है की कभी

हार्मोनिक को रिड्यूस कर सकते हैं इससे जो टॉर्क जनरेट होता है वो यूनिफॉर्म टॉर्क जनरेट होता है इंक्रीज हो तो नहीं, नहीं करता है क्योंकि जब हम स्कूंग करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लॉन्गर पाथ को फॉलो करना पड़ता है जिसकी वजह से इसमें बढ़ जाता है लीकेज तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का

है ए एन ऑर्डिनरी स्टेटिक बैंक बी एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग मैकेनिक लोड सी एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिक लोड एंड डी एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड दोस्तों सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या होता है ये होता है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इसको हम किस काम में लेते हैं इसको हम पावर फैक्टर करेक्शन के काम में लेते हैं जब दोस्तों बैक ज्यादा हो वोल्टेज से तब हम मोटर को बोलते हैं ओवर एक्साइटेड मोटर इस केस में सिंक्रोनस मोटर लीडिंग करंट को कैरी करती है जिसकी वजह से हमें मिलती है मदद क्या इंप्रूव करने में पावर फैक्टर को इंप्रूव करने में और ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जब बिना लोड के काम करती है उसे बोला जाता है सिंक्रोनस कैपेसिटर यहाँ इसका दूसरा नाम क्या है सिंक्रोनस कंडेंसर तो अगर कंडेंसर या कैपेसिटर कुछ भी आएगा तो कंफ्यूज मत होना तो इससे क्या मिलती है हमें केवल रिएक्टिव पावर मिलती है जिससे हम इम्प्रूव करते हैं पावर फैक्टर अगर हम इसको लोड के साथ कनेक्ट कर दें यानी कि अगर हम ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये रियल पावर के साथ साथ रिएक्टिव पावर देगी तो ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी अगर हमें इसको इफेक्टिव रखना है तो हमें इसको बिना लोड के ऑपरेट करना पड़ेगा सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है विच ऑफ दोटर बिल

ये काफी अच्छा फेज डिफरेंस क्रिएट करता है किसके बीच में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जब ये अच्छा फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा तो हमें सबसे अच्छा टॉर्क इस कंडीशन पे मिलेगा तो सबसे अच्छा टॉर्क किस में होता है दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में होता है उसके बाद यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क भी ठीक ठाक रहता है क्योंकि यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों में काम करती है और बात करें अगर हम शेडेड पोल मोटर की तो इसका टॉर्क सिंगल फेस मोटर में सबसे ज्यादा कम होता है लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है तो इस

मेटल ऐड करते हैं जो ज्यादातर हीलियम होता है ये बेसिकली लाइटनिंग पर्प के लिए यूज नहीं होती है एक से लेके मीटर से तो लेकर बिंदु होगा ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ ट्यूब क्वेश्चन नंबर टू है किस प्रकार के ए से डीसी परिवर्तक में सर्वाधिक दक्षता होती है इन विच टाइप ऑफ ए टू डी सी कन्वर्टर इज हायर ए मोटर जनरेटर सेट बी रोटरी कन्वर्टर सी मर्क रेक्टिफायर रेक्टिफायर एंड डी सॉलिड स्टेट दोस्तों इसमें जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये ए सी से डीसी कन्वर्टर ही है अब हमें इसमें से केवल ये बताना है कि कि किस की किस एसी से डीसी कन्वर्टर की एफिशियंसी सबसे ज्यादा हाई होगी तो अगर हम बात करें मोटर जनरेटर सेट की तो इसमें क्या होता है इसमें रोटेटिंग पार्ट होते हैं और रोटेटिंग पार्ट में फ्रिक्शन लॉस मैकेनिकल लॉस और हीट डेस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो लाइक करती है वो 60 से 85 परसेंट तक होती है रोटरी कन्वर्टर भी क्या है एक तरीके का मोटर जनरेटर सेट होता है इसकी एफिशिएंसी भी ऑलमोस्ट 60 से पिछासी परसेंट की रहती है दोस्तों मरकरी मर्कीफायर की एफिशिएंसी टू रोटरी और मोटर जनरेटर सेट ज्यादा होती है और इसकी एफिसियंसी अराउंड अस्सी से नब्बे तक होती है वही सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें यूज होते हैं डायोर्स एंड ट्रांजिस्टर तो इनका हीट लॉस काफी ज्यादा कम होता है इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं Okay. Yeah. तो इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी होती है इसकी एफिशिएंसी अराउंड 95 से लेके 98 परसेंट तक होती है तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर की सो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 33 है क्लास बी परवर्धक में आउटपुट धारा डैश के लिए प्रवाहित होती है इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट करंट फ्लो फॉर ए लेस देन हाफ इनपुट साइकिल बी मोर देन हाफ इनपुट साइकिल सी हाफ इनपुट साइकिल एंड डी एंटायर इनपुट साइकिल दोस्तों हम ज्यादातर चार क्लासेस का यूज करते हैं एम्पलीफायर में क्लास ए क्लास बी क्लास सी एंड क्लास डी इनको समझने के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं दोस्तों है ग्राफिकल ऑफ क्लास ए क्लास क्लास बी सी एम्पलीफायर का तो क्लास ए एम्पलीफायर की हम बात करें तो इसका जो साइकिल होता है आउटपुट करंट का वो फुल साइकिल होता है और क्लास बी एम्पलीफायर में जो आउटपुट साइकिल होता है वो केवल हाफ साइकिल होता है हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करेगा हाफ साइकिल में ये कंडक्ट नहीं करेगा और क्लास सी एम्पलीफायर उसमें जो कंडक्शन होता है वो लेस देन हाफ साइकिल होता है यानी कि वो अपना पूरा हाफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं करता है इसका जो कंडक्शन होता है वो अराउंड 80 डिग्री डिग्री से लेके 120 तक का होता है तो ये कुछ मुख्य डिफरेंस होते हैं क्लास ए क्लास बी क्लास सी एम्पलीफायर तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट करंट फ्लो फॉर हाफ इनपुट साइकिल सो ऑप्शन नंबर सी हाफ इनपुट साइकिल इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी है एक एस सी आर

वन वन इज इज कैथोड एंड थर्ड गेट एनोड इसमें पी टाइप डक्टर होता है और ये पॉजिटिव होता है कैथोड एन टाइप होता है और ये नेगेटिव होता है दोस्तों गेट को पी टाइप रीजन में कनेक्ट करा जाता है और ये एक कंट्रोल टर्मिनल की तरह एक्ट करता है जब हम पॉजिटिव वोल्टेज गेट में अप्लाई करते हैं तब क्या होता है जो डिप्लीशन रीजन होता है सेमी कंडक्टर के बीच में वो कम होना शुरू हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन और होल्स का फ्लो सेमी में

हेड से वाटर एंटर करता है पेन स्टॉक में और हेड पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है जैसे बिटवीन एंट्री पॉइंट ये इसका एंट्री पॉइंट है इन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम और ये इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम है जैसे की मैंने बताया था दोस्तों की तीन तरह के हेड होते हैं लो हेड की जो रेंज होती है वो लेस देन थर्टी मीटर

होते हैं आयरन लॉसेस लॉसेस होते हैं और ये एक और चीज को फाइंड आउट करता एच वी साइड यानी की हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है और रेटेड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को लो वोल्टेज साइड पर अप्लाई करा जाता है तो इससे हम क्या मेजर करते, है? करते हैं ट्रांसफॉर्मर का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं अंडर आइडल कंडीशन विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ लोड करंट यानी कि हमने कोई भी लोड इसमें अप्लाई नहीं कराया उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से बिहेव करेगा और मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है दोस्तों ये वो करंट होता है है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कोर में establish करने में करने मदद करता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा तो इससे हमें क्या पता लगता है मैग्नेटाइजिंग करंट से कि जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है या ट्रांसफॉर्मर की कोर के मटेरियल का कंस्ट्रक्शन है उसमें कोई खामी खामिया कमी तो नहीं है तो इस मैग्नेटाइजिंग करंट से हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं तो नो लोड लॉसेस से लॉसेस को फाइंड आउट कर रहे हैं जो बिना किसी लोड के जनरेट होते हैं जैसे की जनरेट होते हैं जनरेट होते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉसेस क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है में अनुनाद पर शक्ति सर्किट इज ए जीरो बी यूनिटी सी जीरो पॉइंट फाइव लैगिंग एंड डी जीरो पॉइंट फाइव रीडिंग दोस्तों कंडीशन में इंपिडेंस रजिस्टेंस के बराबर होता है क्यूँकी इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के तो जो इक्वेशन होती है इम्पिडेंस की आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर क्यूकी ये दोनों समान है तो ये वैल्यू कट जाएगी तो जेड हो जाएगा आर के बराबर और जहाँ पे रजिस्टेंस होता है यानी की इसमें कोई भी इंडक्टेंस और कोई भी कैपेसिटेंस मौजूद नहीं है तो इसका पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी इकाई इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर है वर्क ऑन हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए वॉशिंग मशीन बी फूड मिक्सर सी टेबल फैन एंड डी टोस्टर दोस्तों ऑप्शन बहुत ज्यादा सिंपल है की इसमें हीटिंग अफेक्ट पूछा गया है अगर हम देखें तो टोस्टर में ही हीटिंग अफेक्ट जनरेट होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में जिसकी वजह से हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं और ये हीटिंग एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम मटेरियल का सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टोस्टर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है चार एक मिली हेनरी प्रेरकों को समांतरों में जोड़ा गया है इस संयोजन को श्रृंखला में दो एक मिली हेनरी वाले प्रेरकों के साथ जोड़ा गया है समतुल्य प्रेरकता बताइए फोर इंडिकेटर ईच ऑफ इंडक्ट वन मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन पेल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ टू इंडक्टर ईच ऑफ इंडक्ट वन मिली हेनरी कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है

को दो एक मिली हेनरी के साथ सीरीज में कनेक्ट करा गया है तो को जोड़ा गया है दो एक मिली हेनरी इंडक्टर के साथ सीरीज में तो तो बहुत सिंपल है वन प्लस वन प्लस प्लस तो तो इसका राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नहीं गिवन था पर इसका आंसर होगा तो टू पॉइंट टू फाइव मिली हेनरी क्वेश्चन नंबर फोर्टी है संरक्षण धारा ट्रांसफॉर्मर के बोझ को डैश में निर्देशित किया गया है द बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव करंट करमर इस स्पेसिफाइड इन ए परसेंटेज ऑफ फ्लोट करंट बी वोल्ट एम्पेयर सी परसेंटेज रेशियो एरर एंड डी परसेंटेज फीस एरर दोस्तों बर्डन एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है करंट की मैक्सिमम पावर को जो ये डिलीवर कर सकता है किस कंडीशन में जब लोड कनेक्टेड हो तो पावर किस पे डिपेंड करती है करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करती है तो इसकी रेटिंग क्या होगी वोल्ट एम्पेयर इसकी रेटिंग हो जाएगी सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट एम्पेयर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है समकालिक मोटर में स्टेटर बैंक ईएमएफ का परिमाण डैश पर निर्भर करता है स्पीड एंड रोटर फ्लक्स दोस्तों स्टेटर का बैक ए डिपेंड करता है डी एक्साइटेशन पे क्योंकि अगर दोस्तों हम डी एक्साइटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इससे इम्पेक्ट पड़ेगा किस पे मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा और जब मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा तो ये जनरेट कैसे होता है और रोटर को एक्साइटेशन किससे मिलता है उसको डीसी सोर्स से एक्साइटेशन मिलता है क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है हमें किसी एडिशनल मेथड की मदद से इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है तो इसी वजह से हम रोटर को एक्साइट करते हैं सेपरेटली डीसी से या डीसी एक्साइटेशन की मदद से तो डीसी एक्साइटेशन को कंट्रोल करके ऐसी कर so, right चालीस मोटर की आर्मेचर धारा डैश होती है वेन रनिंग अंडर नो कंडीशन एंड विद ओवर एक्साइटेशन आर्मेचर करंट ड्रॉन सिंक्रोनस मोटर ए इज इन फेस विद अप्लाई वोल्टेज बी लैट रिजल्ट

होती है v into I, यहाँ पे पावर दी गई है हजार वोट वोल्टेज हमें 240 वोल्ट दिया हुआ है और करंट हमें निकालना है, इस से ये कर जाएगा, तो ये बचेगा सो डिड बाई टी टू आई तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन so right होगा क्वेश्चन नंबर इन एन ओपन सर्किट एक बी रजिस्टेंस एंड करंट आर इन्फिनिटी सी रजिस्टेंस इज जीरो

पर कार्य करता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर्क ऑन बेसिस ऑफ ए रेसिड करंट बी शॉर्ट सर्किट करंट सी ओवरलोड करंट एंड डी न्यूट्रल करंट दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर्क करता है अवशिष्ट धारा या करंट पर इसका मतलब अगर इनकमिंग करंट और आउट करंट में इम्बेलेंस हुआ और ये इम्बेलेंस क्रॉस कर जाए तो यह सर्किट को ट्रिप कर देगा तो ये क्या कर रहा है दोस्तों ये लगातार फेस करंट को न्यूट्रल करंट के साथ कंपेयर कर रहा है और इन दोनों के डिफरेंस को फेस करंट और न्यूट्रल करंट के डिफरेंस को ही बोला जाता है रेसिडुअल करंट यहाँ अवशिष्ट धारा अब मान के चलिए हमने अवशिष्ट धारा को एक एम्पेयर पर सेट करा हुआ है तो अगर अवशिष्ट धारा एक एम्पियर से ज्यादा हुई तो ये सर्किट ट्रिप हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी है बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति को डैश में मापा जाता है द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ बैटरी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ ए करंट वैल्यू बी स्पेसिफिक ग्रेविटी सी एंड डी वोल्टेज आउटपुट। दोस्तों बैटरी की कंडीशन को विशिष्ट घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से नापा जाता है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हुई, तो सेल फुल्ली डिस्चार्ज है और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी वन हुई तो सेल फुली चार्ज है तो ये दो वैल्यू तो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए वन पे डिस्चार्ज

प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ़ डिस्टेंस दोस्तों तो मैग्नेटिक पोल के बीच के फोर्स को दर्शाया जाता है यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स है वन को हटा तो M1, तो और डी क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, है, है तो अगर आप ध्यान देंगे तो दोस्तों मैग्नेटिक पोल का फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक पोल के बीच का फोर्स कम होगा और अगर डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक पोल के बीच का फोर्स बढ़ेगा सो दोस्तों इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है अ बैंड पास फिल्टर इज डेट बीच बैंड पास फिल्टर वहा है जो ए पासिस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल बी पासिस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल सी पासिस सिग्नल बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी एंड डी रिजेक्ट सिग्नल बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी लिमिट दोस्तों तीन तरह के फिल्टर हम सबसे यूज करते हैं एक बैंड पास फिल्टर एक लो पास फिल्टर और एक हाई पास फिल्टर सबसे पहले हम हाई पास फिल्टर की बात करें तो हाई पास फिल्टर केवल हाई को पास करता है और लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करता है और लो पास फिल्टर में लो फ्रिक्वेंसी पास होती है और हाई फ्रिक्वेंसी ब्लॉक होती है और बैंड पास फिल्टर में लो और हाई फ्रिक्वेंसी ब्लॉक होती है और एक सर्टेन बैंड की फ्रिक्वेंसी को इसमें पास करा जाता है सो so दोस्तों इसका आंसर क्या होगा अब बैंड पास फिल्टर इज डेक विच पास सिग्नल बिटवीन टू फ्रिक्वेंसी

वायरिंग बी बैटन वायरिंग सी क्विट सरफेस वायरिंग एंड डी क्विंटिट कंसील्ड वायरिंग दोस्तों आजकल भवन निर्माण में हम यूज करते हैं कंसील्ड वायरिंग वायरिंग दोस्तों इस में जो इलेक्ट्रिकल होते हैं और जो वायरिंग होती है है वो वॉल के अंदर करी जाती है, तो इससे हमें एक एस्थेटिक लुक मिलता है और दोस्तों सेफ्टी पर्पज के लिए भी ये काफी अच्छे होते हैं और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है आजकल घरों में ज्यादातर क्विडिट कंसील्ड वायरिंग का इस्तेमाल करा जाता है सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर है निम्नलिखित थ्री फेस मोटरों में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है विच ऑफ फॉलोइंग थ्री पे मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग आपके ऑप्शन से ए सिंक्रोनस मोटर बी केज इंडक्शन मोटर सी वाउंड रोटर मोटर एंड डी डबल केज मोटर मोटर दोस्तों सिंक्रोनस सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है इसमें जनरेट होता है पल्सिटिंग टॉर्क जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं अलग अलग मेथड का एक हम डीसी मशीन का यूज कर सकते हैं या हम पोनी मोटर का यूज कर सकते हैं डेम्पर वाइंडिंग

वोल्टेज इज वी देन पावर पी इज इक्व टू दोस्तों पावर हो जाएगी वी इन टू आई सब पढ़ा है और कौन से फॉर्मूले होते हैं इसके और ये इसके और दो फॉर्मूले होते हैं तो फिलहाल इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्निश को शमन करने योग्य है विस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग इलेक्ट्रिकल फायर दोस्तों इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग करने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड

खराब हो सकते हैं डैमेज हो सकते हैं सो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड फायर एक्सटिंग राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर एट है इलेक्ट्रिकल परिपथ की निरंतरता डैश द्वारा जांच की जाती है कंटिन्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज यूजली यूज बाई एमीटर बी एम मीटर सी वोल्ट मीटर एंड डी पावर फैक्टर मीटर दोस्तों कंटिन्यूटी टेस्ट की मदद मतलब से हम दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं और कंटिन्यूटी टेस्ट मेजर किससे करा जाता है अधिकतर मल्टीमीटर से करा जाता है या फिर ओम मीटर से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं किसी वायर का तो मल्टीमीटर एक बीप की साउंड देता है तो उससे हमें कंटिन्यूटी पता लग जाती है अगर सर्किट में कहीं फॉल्ट है या सर्किट में कहीं ब्रेक है ओपन सर्किट है तो वहां पे आपको वो बीप की साउंड नहीं आएगी सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एम मीटर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है किसी संधारित्र की धारिता डैश के समानुपाति होती है द द द कैपेसिटेंस ऑफ ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लेट बी एरिया ऑफ द प्लेट सी वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट एंड पोलरिटी ऑफ दी

रूप गुड़ंग क्या होता है दोस्तों प्योर साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है वन पॉइंट वन वन और फॉर्म फैक्टर होता क्या है ये होता है आर एम एस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू दोस्तों वैल्यू क्या होती है अपॉन में और एवरेज वैल्यू क्या होती है टू वी एम अपॉन पाई इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा वन पॉइंट वन वन सोल्व करके आप इसको देख सकते हैं so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑप्शन नंबर सी